थका हूँ फिर भी बढ़ रहा हूँ मंजिल की ओर, यही सोचकर कि जीत गया तो हंगामा बहुत बड़ा होगा। हेलो, मैं हूँ मेघना और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। जब भी आप किसी काम में अपनी पूरी मेहनत और लगन से जुट जाते हो तो आपको अपनी मंजिल मिलना तो तय है। दिल से किए गए काम में आपको ना ही भूख लगती है ना ही प्यास, इसी वजह से आप अपना सारा ध्यान बस अपने काम में ही लगाते हो। तब आप अपने नसीब से ये बात बड़े शान से कह सकते हो कि आप भले ही कितने भी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते। आपका मन तब भी किसी ना किसी तरह आपको आपके मकाम तक खींच कर ले ही जाता है, इसी सोच में कि कल जाकर जब आपको अपनी मंजिल, आपका असली मकाम मिल जाएगा तो वहां पर जो माहौल होगा, जो जश्न होगा, वो तो बस देखते ही बनेगा, है ना। ऐसा ही कुछ माहौल केबीसी 13 सीजन के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक शख्स को हॉट सीट पर बैठ अमिताभ बच्चन के साथ गेम खेलता देखा जाएगा। हॉट सीट पर बैठने वाला ये कंटेस्टेंट एक बहुत ही आम परिवार से है। सोनी टीवी ने हाल ही में इस कंटेस्टेंट का प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अमिताभ के साथ अपने स्ट्रगल की कहानी शेयर की है। ये कंटेस्टेंट प्रोफेशन से पोस्टमैन है। इस कंटेस्टेंट ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अमिताभ का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, केबीसी की मदद से मैं हवाई जहाज में पहली बार बैठा हूँ। होटल में शावर सुविधा थी, घर में तो किसी तरह ठंडे पानी को गर्म कर नहाते हैं, रेस्टोरेंट में 5 तरह की सब्जियां थी, घर में तो हम एक ही तरह की सब्जी कई दिनों तक खाते हैं। कंटेस्टेंट की इस दास्तान ने अमिताभ का दिल चीर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये भारत का आम आदमी है। केबीसी के इस प्रोमो में अमित जी कंटेस्टेंट से 12,50,000 रुपए का सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस आम आदमी का सफर शो में कितना लंबा चलेगा। केबीसी के बीते एपिसोड में पंकज त्रिपाठी और प्रतीक गांधी नजर आए। दोनों ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल के दिनों का एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें पंकज ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो पटना के एक होटल में कुक का काम कर चुके हैं। पंकज का ये पहलू सुनकर अमिताभ बच्चन भी चौंक गए थे। अमीर कौन नहीं बनना चाहेगा, बल्कि हर इंसान का सपना होता है कि वो करोड़पति बने। कई लोगों का ये मानना है कि करोड़पति बनते नहीं हैं, वो पैदा होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दुनिया जहां में, जो कम पैसे या फिर पैसा ना होने के बावजूद करोड़पति बने। सभी करोड़पति बने लोगों में उनके काम को लेकर डेडिकेशन, अनुशासन और ना भटकने वाली आदतें होती हैं। ये सभी आदतें अपनाकर और ऐसी ही लगन रखकर कोई भी अमीर बन सकता है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं केबीसी के इस अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।